नमस्कार सर। सर साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास पाटीदार। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं ग्राम मोगावा मंडलेश्वर जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 7 मई 2017 को सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर उनकी कृपा प्राप्त की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले परिवार वैसे ही धार्मिक भक्ति अच्छे संस्कारवान परिवार में मेरा जन्म है, तो सभी प्रकार की जो हिंदू समाज में जितनी भी कार्य क्रियाएँ पूजाएँ साधनाएँ हैं वो सबको मानते थे। कुछ ज्ञान मेरे को अन्य संतों से भी जैसे मिला था कि सत्संग परमात्मा की प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। मैं एक गुरु भी मेरे बनाए हुए थे, शिव भगवान की भक्ति दी हुई थी, तो ये सारी पूजाएं किया करता था। हनुमान चालीसा मेरे कंठस्थ थी, रुद्राक्ष कंठस्थ था, इनको मैं गुनगुनाया करता था और गुरु मंत्र का जाप किया करता था। सुंदरकांड के कुल 60 दोहे और 60वें आखिरी नंबर के दोहे में मैं भी सुना करता था और पढ़ा करता था। उस 60 नंबर के दोहे में लिखा हुआ है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाई के अंग तुलन ताल सकल मिल ही जो सुख लव सत्संग। तो एक प्रश्न उठता था मन में कि भाई ये एक लव का सत्संग स्वर्ग, स्वर्ग आज तक हमको यही स्वर्ग तक ही भटका रखा है, परंतु इससे ऊपर अपवर्ग भी जो है, तो इन दोनों के सुख को रख दो तराजू के एक पलड़े पर जो है एक लव का सत्संग रख दो तो ये भारी रहता है, उठा नहीं पाई ये साधना है। तो इसी प्रकार मैं सत्संग को बहुत ज़्यादा रुचि देता था। सर परमात्मा संत रामपाल जी शरण में आने से पहले भी मेरे को जो है ये दो संत बड़े घर करते थे। सबसे पहले नंबर पे कबीरदास जी के दोहे वाणिया में सुनता था तो आत्मा ऐसी वो करती थी और अंदर से एक आत्मा की आवाज़ निकलती थी कि महात्मा कबीर जी। मेरे जीवन में इस अध्यात्म लाइन में सबसे पहले परमात्मा कबीरदास जी को महत्व देता था और दूसरे नंबर पे जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है उनके दोहे चौपाइयों को ये दो संत मेरे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अच्छी तरह से मैं इनको बस दो को ही मानता था। तो ये साधनाएं मैं किया करता था और परिवार भी ऐसे धार्मिक होने की वजह से सारी क्रिया पूजा साधनाओं को मानते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर परमात्मा की ही कृपा कहेंगे इसको। एक बार क्या होता है सर, मैं पटवारी की शासकीय सेवक हूँ, पटवारी हूँ, तो हमारे ऊपर एक गिरधावर होते हैं, आरई बोलते हैं उनको, आरई साहब बोलते हैं, उधर जबलपुर तरफ के थे और वो अकेले ही रहते थे। तो कुछ ऐसा योग आया, मैंने कहा सर आज आपके लोग, मैंने कहा खाना पाना साथ में खा लेंगे। सर इसे कोई संत नहीं होंगे जिनकी कथाएँ मैंने नहीं सुनी हो, मेरा एक ही उद्देश्य था, टीवी पे सिर्फ मैं कथाएँ ही सुनता था क्योंकि मेरे को अंदर से कसक थी और इन कथाओं को ही सत्संग मानता था मैं, कि कथा सुनना मतलब सत्संग। संत रामपाल जी महाराज का उस रोज़ सत्संग लग गया चैनल, वो साधना चैनल लग गया और हम दोनों थे। मैंने गिरधार साहब से कहा कि मैंने देखो ये संत जो है ब्रह्मा विष्णु का जन्म मरण बता रहे हैं और कैसे कैसे संत हो गए हैं। मैंने कहा उस पहले रोज़ तो ऐसा ही मन से निकला, बस ये उस रोज़ ये बात हुई और दूसरे रोज़ फिर मेरे को अंदर से कुछ ऐसा लगा कि नहीं दिनेश कुछ न कुछ सत्यता अलग है, दूर है। फिर दूसरे रोज मैंने लगाया और एक घंटा फिर मैंने साधना चैनल पर विस्तार से संत रामपाल जी का सत्संग सुना, तो बस उसी रोज़ से मेरे घर आत्मा में घर कर गया कि मैंने कहा यार ये ज्ञान गंगा पुस्तक कहाँ मिलेगी। मेरे रात भर मेरे को दौर चलता रहा, तो मैंने कहा ठीक है देखेंगे यार कोई ना कोई भक्त तो होंगे, नहीं तो फिर अब ये नंबर आ ही रहे हैं इस पर अपन संपर्क करेंगे और कहीं से पहले तो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाते हैं। परमात्मा की ऐसी रजा हुई, दूसरे रोज में मैसूर गया तो संत रामपाल जी महाराज का बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि ये वेद पढ़े पर भेद न जाने और बाचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खिलाए और भुला दिया सृजनहारा। पर ये वाणी देख के ना मेरा मन कर, तो मैंने गाड़ी वहाँ रोकी और पूछा मैं पड़ोस में उनके भाई ये बोर्ड किसने लगाया, तो गुड़िया थी कि हमने लगाया, तो मैंने कहा ज्ञान गंगा मिलेगी पुस्तक, बोले कि हाँ मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, उसको पढ़ा और ठीक 7 दिन बाद ये खरगोन जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ लाभ तो सर सारे ही लाभ कहेंगे और चंद मिनटों में क्या लाभ कहूँ सुनाऊँ और बताऊँ। सबसे पहला मैं
तो मुझे शराब की ऐसी लत लगी थी, ऐसी लत लगी थी, तो इससे मेरा पूरा परिवार भी बहुत दुखी था सर। मेरा पूरा परिवार जो है उनको जो भी जहाँ बता देते थे कि यार वहाँ ले जाओ इनको, वहाँ ठीक हो जाएंगे, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले, और इतनी बढ़ गई कि मैं इसके बगैर एक आधा घंटा भी रह नहीं सकता था। कभी शराब ख़त्म हो जाती थी, मतलब 24 घंटे नशा 24 घंटे ही रहता था, पर थोड़ा भी कम होता था तो एक 10 मिनट कभी कोई लेने भी गया और 10 मिनट आता तो मेरे को चैन नहीं पड़ती थी कि कब लेके आएगा। तो ऐसे मेरे परिवार ने मेरे को बहुत सी जगह, जिसने जहाँ भी बताया, बहुत झाड़फूँक करवाई सर, बहुत काजी मुल्ला बड़बों के पास में ले गए, पर कोई आराम नहीं। और मैंने सर यहाँ तक हनुमान चालीसा का ये महात्म्य सुन रखा था कि जो सतबार पाठ कर जोई छूट ही बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। तो मैंने, मेरा एक मित्र था ब्राह्मण समकक्ष था, वो क्लास फेलो था, वो मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि मैंने यार एक काम कर अपन चल वो नर्मदा जी के किनारे, मैंने कहा कि ये 100 बार ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उससे पिंड छूट जाए। तो वो भी हमने करके देखा, कहा ये ऐसा सुन रखा है इन संतों से कि घर में एक बार राम बोलो तो एक ही बार राम लाभ मिलेगा राम का, गौशाला में जाके बोलो तो 100 बार 100 गुना लाभ मिलेगा, और उसको कहते हैं कि मंदिर में जाके बोलो तो 1000 गुना लाभ मिलेगा, तीर्थ में जाके बोलो तो 10,000 गुना लाभ मिलेगा, और माँ नर्मदा के किनारे कभी एक बार राम बोल दिया जाए तो उसको अनंत लाखों करोड़ों कोई संख्या नहीं इतना लाभ मिलता है। तो मैंने वो भी करके देख लिया, हनुमान चालीसा मौखिक थी, हम दोनों वो ब्राह्मण को बिठाया, मैं बिठाया, और हनुमान चालीसा एक बैठक में करके भी देखी, पर कहीं साधनाओं से कहीं लाभ नहीं मिला सर। परंतु आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद मैं और मेरा परिवार इतना खुशहाल है कि सारी खुशियां आ गई, सारे नशे दूर हो गए सर, नशे तो दूर हुए। उसके बाद में जो चिंताएं, हम आज इतने निर्भय हो गए हैं सर। आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए? सर होता क्या है, ये जो हमारा मन है, मन ही जो है एक काल का स्वरूप है। परमात्मा सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद ही हमको पता चला, अभी तक इस नशों के विषय विकार कामनाओं इच्छाओं सारी समस्याओं का जड़ ये मन है, और ये मन ही ज्योत निरंजन काल है, काल। तो इसको बांधना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों भक्ति साधना में ही वो पावर है, उसको बन जाता है, कवर कर जाता है। इसके अलावा इस संसार में, इंडिया में तो क्या, दुनिया में इसका कोई उपचार नहीं है। तो आप मुझे देख रहे हो मैं कितने नशे विकारों से ग्रसित था और इतना परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जितनी भी जल्दी हो समझो, संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर परमात्मा ने बहुत ही आसान, वो तो दयालु परमात्मा, इतनी आसान व्यवस्था कर रखी है। संत रामपाल जी महाराज का बहुत से चैनल पर सत्संग आता है, कोई से भी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उस पर नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं, उस नंबर से आप जहाँ के भी, इंडिया नहीं दुनिया में कहीं भी हो, उस नंबर से संपर्क करें, आपको बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कौन सा है। उस नामदान केंद्र पर जाकर आपको निःशुल्क नाम दीक्षा मिल जाएगी, उस नाम दीक्षा को आप ग्रहण करें और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। साहिब।